हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज फेज सेकंड मेन एग्जाम एडमिट कार्ड 2023 की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने इंजीनियरिंग सर्विसेज फेज सेकंड मेन एग्जाम का एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया है। कैसे आप अपना एडमिट कार्ड बिना कोई मिस्टेक किए हुए डाउनलोड कर सकते हो, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस, बिना कोई वक्त गंवाएं चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट indsarkarinaukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग पूरी डिटेल प्रोवाइड करा दी गई है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज फेज सेकेंड मेन एग्जाम कंडक्ट करने जा रहा है। टोटल 327 खाली पदों को भरने के लिए सिलेक्शन यहां पर आपका प्री एग्जाम, मेन एग्जाम और पर्सनैलिटी टेस्ट के आधार पर होगा। यहां पर प्री एग्जाम ऑलरेडी हो चुका है, अब मेन एग्जाम कंडक्ट होने जा रहा है। तो इस मेन एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास एडमिट कार्ड होना जरूरी है। बिना एडमिट कार्ड के आपको अलाउ नहीं किया जाएगा इस मेन एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो यहाँ पर अब आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, पूरी डिटेल हम आपको इस वीडियो में देंगे, बस आपको एंड तक बने रहना है। यहाँ पर डेट की अगर बात की जाए तो ऑनलाइन फॉर्म्स कैंडिडेट से 14 सितंबर 2022 से 4 अक्टूबर 2022 के बीच में एक्सेप्ट किए गए थे। अब यहां पर आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज मेन एग्जाम फेज सेकंड 25 जून 2023 को कंडक्ट होने जा रहा है। एडमिट कार्ड आपका अवेलेबल हो चुका है 5 जून 2023 से। आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके 25 जून 2023 को एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हो इंजीनियरिंग सर्विसेज फेज सेकंड मेन एग्जाम में। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर इंजीनियरिंग सर्विसेज मेन एग्जाम एडमिट कार्ड इस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का ये ऑफिशियल पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ पर आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन 2023 के इस सेक्शन में टू डाउनलोड ई एडमिट कार्ड के नीचे क्लिक हियर का लिंक दिया गया है। आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको सभी महत्वपूर्ण अनुदेश यहां पर प्रोवाइड करा दी गई हैं। आपको इन अनुदेशों को यानी कि इन इंस्ट्रक्शंस को वन बाय वन करके केयरफुली रीड करना है। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेज में ये इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं, आपको इन्हें रीड करना है। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और फिर यहां पर आपको यस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहां पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहां पर आप अपना एडमिट कार्ड दो तरीके से डाउनलोड कर सकते हो, बाय रजिस्ट्रेशन आईडी या फिर बाय रोल नंबर। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहां पर कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर ले। अगर आप बाय रजिस्ट्रेशन आईडी यहां पर सिलेक्ट करते हो तो यहां पर आपको अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी एंटर करनी है, अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। पहले आपको डे सिलेक्ट करना है, फिर मंथ, उसके बाद आपको ईयर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहां पर आपको ये कैप्चा कोड फिल करना है और फिर सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको आपके डैशबोर्ड में रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। वहां से आप अपना यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन फेज सेकंड का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। उसका आपको एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट भी ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और अगर आप बाय रोल नंबर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको बाय रोल नंबर ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहां पर आपको अपना रोल नंबर एंटर करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ का डे सिलेक्ट करना है, मंथ सिलेक्ट करना है, ईयर सिलेक्ट करना है। उसके बाद ये कैप्चा कोड यहां पर फिल करना है और फिर सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपने डैशबोर्ड में चला जाना है। वहां से आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। यहां पर दोनों वे सेम है, बस आपको रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन आईडी का यहां पर डिफरेंस है। आप जिस भी तरह से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाहते हो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। टेक्निकल इंस्ट्रक्शंस के लिए भी लिंक आपको यहीं पर दिया गया है। अगर आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करते समय कोई प्रॉब्लम होती है तो यहां से आप टेक्निकल इंस्ट्रक्शंस लिंक पर क्लिक करके इंस्ट्रक्शन चेकआउट करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप यहां पर अपनी आईडी, रोल नंबर आईडी भूल चुके हो तो यहां पर आपको फॉरगॉट आर आईडी के सामने क्लिक हियर का लिंक दिया गया है। इस लिंक पर आपको क्लिक करना है, फिर आपको अपना नाम एंटर करना है, अपने फादर का नाम, अपनी मदर का नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ में आपको डे, मंथ और ईयर सेलेक्ट करने के बाद एक कैप्चा कोड फिल करना है और फिर सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर पर आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी सबमिट कर दी जाएगी। तो फिर वहां से अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी लेकर आप दोबारा से यहां पर अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी, डेट ऑफ बर्थ और ये कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन करके अपना एडमिट
एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। गाइज ऐसे आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप डायरेक्टली अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको अपने कंप्यूटर पर जाकर या फिर अपने मोबाइल या फिर टैबलेट पर जाकर किसी भी इंटरनेट ब्राउजर की एड्रेस बार पर upsc.gov.in टाइप करना है। उसके बाद आपके सामने संघ लोक सेवा आयोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की ये ऑफिशियल साइट खुल जाएगी। आपको इसे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको राइट साइड में, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर राइट साइड में एडमिट कार्ड का ये टैब दिया गया है, आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने सभी एडमिट कार्ड्स के लिंक खुल जाएंगे। ई एडमिट कार्ड फॉर वेरियस एग्जामिनेशन ऑफ यूपीएससी, आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपको इंजीनियरिंग सेवा प्रधान परीक्षा 2023 इंजीनियरिंग सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन 2023 के सामने ई एडमिट कार्ड लिंक सेक्शन में आकर डाउनलोड लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको एडमिट कार्ड के पोर्टल पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो लिंक हमने आपको डायरेक्टली प्रोवाइड कराया था वो लिंक आपको यहाँ से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्लिक हियर लिंक पर क्लिक करके जनरल इंस्ट्रक्शंस रीड करके यहाँ से आप बाय रजिस्ट्रेशन आईडी या फिर बाय रोल नंबर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद आपको सभी जनरल इंस्ट्रक्शंस आपके एडमिट कार्ड में भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, आपको उन्हें केयरफुली रीड कर लेना है। गाइज आपको एग्जामिनेशन सेंटर में अपने एडमिट कार्ड का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट अपने साथ लेकर जाना है, प्लस आपके पास एक फोटोयुक्त वैलिड पहचान पत्र भी होना जरूरी है, जैसे कि आधार कार्ड या फिर आपका पासपोर्ट या फिर वोटर आईडी कार्ड या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना जरूरी है। इन दो डॉक्यूमेंट के साथ आपको एग्जाम में पार्टिसिपेट करना है। जी हाँ दोस्तों, आपको आपके एडमिट कार्ड में ही सभी इंस्ट्रक्शंस, जैसे कि क्या आपके एग्जाम की टाइमिंग है, क्या वेन्यू है, कब से कब तक आपका एग्जाम कंडक्ट होगा, पूरी डिटेल आपको आपके एडमिट कार्ड में प्रोवाइड करा दी जाएगी। आपको सभी डिटेल्स वन बाय वन करके केयरफुली रीड कर लेनी है और उसके बाद आपको एग्जाम में पार्टिसिपेट करना है। तो दोस्तों ऐसे आप अपना यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन फेज सेकंड का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।